प्रणव है पुष्पा। मैं अभागन मेरा दायित्व निभा रही हूं। आपको पता था कि प्रणव? पता कैसे नहीं चलेगा, मां हूं। उस दिन जब उसने जेल में देह छोड़ा, इतनी तकलीफ हो रही थी, सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रहा था जैसे जान निकल रही है शरीर से। हसीना, धड़कने तेज, बुरे ख्याल, देवा, कहीं तरी बलतेज विचार। आणि फोन आया। हेलो, राधाली मैं? हाँ, बोलते। जी, मैं नासिक जेल से जेलर माधव चौधरी बात कर रहा हूँ। माफ कीजिए, बुरी खबर है। आपके बेटे प्रणवली में अब नहीं रहे। उन्होंने जेल में आत्महत्या की है। आपके बेटे की अस्थियों को हमने बापोद्रा चौल शाइन के एड्रेस पर भेज दिया है। जैसे ही आपको मिल जाए, आप इस नंबर पे कंफर्म कर देना। उनकी पत्नी और बेटी यहाँ आए थे अग्नि संस्कार के लिए। उन्होंने आपको बोलने के लिए मना किया था। जेल के नियमों के अनुसार अस्थियाँ रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम परिवार को दे सकते हैं। उनकी पत्नी और बेटी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। डॉक्यूमेंट्स पर आपका एड्रेस और नंबर लिखा था, तो आपको कॉल किया। कलश आप तक पहुँच जाएगा। आप उनकी पत्नी और बेटी को बता दीजिएगा। मिताली और वर्षा ने अग्नि संस्कार तो करवा दिए, पर अस्थियां मेरे हिस्से आई। 6 फुट का मेरा बेटा प्रणव कलश में लौटा था पुष्पा, कलश में लौटा था मेरे पास। तब पता चला कि मैं इतनी अस्वस्थ क्यों थी, क्यों इतनी तकलीफ में थी, क्योंकि प्रणव तकलीफ में था। इतना तकलीफ में था कि अपनी जान ले ली उसने। लेकिन आपने बताया क्यों नहीं काकू? मुझे फिर किसी और को सुन पड़ गई थी। क्या कहती? जैसी निकम्मी जिंदगी जिया, वैसी ही मौत भी चुनी उसने। संदूक में कलश रखकर उसे ताला मार दिया, वर्षा और मिताली से छिपाया। लेकिन उन्हें तो पता था काकू, वही तो अग्नि संस्कार करने गए थे। हाँ, उसी दिन जब मिताली का जन्मदिन था, उसी दिन देखा मैंने उन्हें। तो बस्ती वालों को जाल में लाई थी, जैसे प्रणव कह रहा हो। क्या आई? मैं इनको तेरे शरण में छोड़कर जा रहा हूं, इनका ख्याल रखना। मुझे पता चल गया था कि जिंदगी ने बहुत सितम ढाए हैं इन पर। जब उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, तो मैं समझ गई कि वो इस
जिल्लत से मुझे बचा रहे हैं। हानी ते वन किनत दर्द, वो दर्द मैंने सोचा ये बात ना ही निकालू तो अच्छा है। मुझे संभालने के लिए प्रणव की मौत की बात वो मुझसे छिपा रहे थे, प्रणव की यादों को जिंदा रख रहे थे। मुझे संभालने के लिए ये दोनों इतनी तकलीफ ले रहे हैं तो क्या थोड़ी सी तकलीफ लेकर मैं ये क्यों न जताऊं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया करको? मैं आपके लिए कुछ करती, आपका दर्द बांटती। मुझे माजा माया माजा राजा किया ना तूने मेरी बहू मेरी पोती को चाल में लाकर सहारा दिया ना तूने मुझे। जो बहू मुझे घर से निकालना चाहती थी, मुझे वृद्धाश्रम में भेजना चाहती थी, वही बहू आज मुझे तकलीफ न हो इसका ख्याल रख रही है। पुष्पा अरे काय पाहिजे आपल्याला, क्या चाहिए? अरे खरं सांगू तुझे बताती तो मैं टूट जाती पुष्पा। मेरा सब्र टूट जाता, फिर मैं ये नाटक नहीं कर सकती थी। वर्षा ने मुझे साफ मना किया था जुगल, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी। वरना ऐसा हो सकता है क्या कि मैं तुझसे कुछ छुपाऊं? एक एक चाय हो जाए, नेकी और पूछ पूछ। आ भैया दो चाय। एक छोटे सिक्के, सब लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं लेकिन मैं तुझे थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा हर काम तेरे बिना अधूरा है, इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे अरे बस बस बस, ये सारे थैंक यू बचा कर रख, कभी एक साथ वसूलूंगा। हैं मींस क्या? मींस के चल पागल। ये कैसा खेल है ना ऊपर वाले का जुगल, एक माँ से उसकी संतान छीन लेता है और एक माँ को उसके बेटे का जीवन दान दे देता है। इन दो दिनों में दो ऐसी माओं को देखा जिन्हें जिनकी ने झंझोड़ कर रख दिया था। कहते हैं कि संतान की मौत का दुख एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है, पर फिर भी जुगल राधा काकू के चेहरे पर जो शांति जो सौम्यता थी प्रणव की अस्थियां बहाते समय मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बहुत कुछ सिखा कर जाती है। और वहीं दूसरी ओर संध्या के चेहरे पर राजा को एक बार फिर से पाने की खुशी, क्या क्या दिखाती है जिंदगी। लेकिन ये सब देखने के बाद भी लोग जिए जाते हैं, हम उन दोनों माओं का सहारा बन पाए उसके लिए चीयर्स खोटे सिक्के। काय सांगायचं तुला बाई, काय सांगायचं, तूने सिर्फ एक बच्चे की जान नहीं बचाई है पुष्पा, तूने उस माँ को भी पुनर्जीवित किया जिसने अपने बेटे की आस ही छोड़ दी थी। खरस सांगते है तूने इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिखाया है। सलाम है मेरा तुझे, सलाम। वाह पुष्पा वाह, आज तूने फिर से साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले ना तो पर्वत भी हिला सकता है। डॉक्टर जय कामत जैसे डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए राजी करना छोटी बात थोड़ी ना है। पापा ये सब आपकी कृपा से हुआ है, आपने सिर्फ राजा की जान बचाने के लिए नहीं डॉक्टर कामत के हाथों
अब आगे जितनी भी जाने बचेंगे उसके लिए मुझे निमित्त बनाया। थैंक यू पुष्पा। प्रणव के लिए कुछ विधियां करनी है, मैं तैयारी के लिए जाती हूँ, तुम लोग सब आ जाना। हाँ इतने कम समय में दो इतनी अलग खबरें मिली कि क्या कहें। एक तरफ प्रणव की इतनी दुख भरी खबर और दूसरी तरफ राजा की इतनी अच्छी खबर। दुख और सुख का ये चक्कर तो चलते ही रहता है। यही तो ऊपर वाले का नियम है महेंद्र, इसे ही तो जीवन कहते हैं। मम्मी तूने राजा के लिए जो किया राधा काकू ने बिल्कुल सही कहा। सलाम है तुझे, मोहल्ला समिति अध्यक्ष के लिए तू बिल्कुल परफेक्ट है। आप पूरी रात जागी हो, काकू के साथ नासिक गई, वहां से आते ही हॉस्पिटल गई। अब थोड़ा आराम कर लीजिए, बेडरूम में सो जाइए, वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। काकू ने प्रणव के लिए पूजा रखी है, उनके साथ होना जरूरी है मुझे दीदी। मम्मी आराम भी तो जरूरी है ना, ऐसे तो बीमार पड़ जाएगी, थोड़ा रेस्ट कर ले। दीदी शुरू होते ही मैं आपको जगा दूंगी, बस इतना प्यार मत करूंगा, सब लोग मिलकर मुझे बिगड़ जाऊंगी मैं। और अगर तुम लोगों के सर पे चढ़ गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बोल देती हूँ। पुष्पा जी घर पर हैं? सर सर आइए ना, नमस्ते, बैठ। आपने तो सरप्राइज दे दिया सर। मेरी स्टूडेंट कैसी है? एक तो आपके सामने और दूसरी सरन सर से ड्राइविंग सीख रही है। ये सब मेरी एक्स स्टूडेंट्स हैं, मैं अपनी नई स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। मींस के स्वरा जी? सर आप स्वरा से मिलने आए हैं? मैंने सोचा मैं स्कूल जाने से पहले एक बार उससे मिल लूं। कहाँ है वो? वो सांप सीढ़ी खेल रही है सर, वो देखिए वहां पर। आप दो मिनट बैठिए, मैं बुला कर लाती हूँ। पुष्पा जी आप रुकिए, मैं मिल लेता हूँ। आयो 1 2 3 4 5 6। हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं। क्या खेल रहे हैं आप लोग? सब सीढ़ी। आप कौन? क्या चाहिए आपको? मैं नानावटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकता हूँ? सपने नहीं आएंगे आपको। और ये मैडम का स्पेशली कस्टमाइज्ड गिफ्ट। वो सुवा अच्छे चिराग। वाओ थैंक यू सर, सो क्यूट। अरे रुका, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अरे बस बस, थैंक यू सो मच मम्मी। बढ़िया है, थैंक यू वाड़ी। अरे शादी के बाद का तेरा पहला जन्मदिन है, इतना तो बनता है। लव यू मम्मी, लव यू टू, लव यू थ्री। वेट 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 वेट, ये हम तीनों की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच पाओ, बहुत अच्छा है रियली। कैसे है मम्मी? एक तो चकाचक। वैसे तेरे लिए एक और सरप्राइज है,
क्या? ए डोबी, बोलो ना, सरप्राइज है, फिर भी पूछ रही है क्या? चीटिंग मम्मी पापा, आप दोनों ने मुझे कहा था कि आप दोनों मुझे अंकल को ऑफिस लेकर जा रहे और स्कूल लेकर आ गए। सोरा, इस स्कूल का नाम क्या है बताओ? नानावटी हाई स्कूल। तो ये स्कूल उन्हीं का है, उनका ऑफिस भी है और यहाँ हम उनसे मिलने के लिए आए। और अगर हमें आपको स्कूल आना होता तो यूनिफॉर्म में लेके आते ना। सोचो सोचो सोचो। हाँ वो भी है। कहाँ है उनका ऑफिस? चलो। अरे स्वरा, अरे स्वरा बेटा, आई आई आई, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। बैठो, हम दोनों मिलके गेम खेलेंगे। ओके। ठीक है। अरे गोलू नहीं आया आपके साथ? नहीं, गोलू भैया नहीं आए, उनको भी शॉप पे कुछ काम था। चलो हम कल जैसे खेले। आपकी पूछ से चढ़ना, सीढ़ी से उतरना, उल्टा पुल्टा। हाँ उल्टा पुल्टा बिल्कुल। चलो। हाँ मेरी, हाँ तो मेरी ये वाली। आपको पता है सौरभ, मैं यहाँ अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ खेलता हूँ गेम्स। अच्छा। और जो यहाँ के टीचर्स हैं ना, वो भी अपने स्टूडेंट्स के साथ गेम्स खेलते हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद। और यहाँ के जो टीचर्स हैं ना, वो अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। बच्चे थोड़ा शैतानी कर देना तो उन्हें बस डांटते हैं, कोई पनिशमेंट नहीं देते। अच्छा, और मेरे वो वाले स्कूल में ना टीचर सबको डांटते थे, सबको पनिशमेंट देते थे, सब बच्चे रोते थे। अरे नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ अगर कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं आता है ना बेटा, तो उससे 3 बार होमवर्क करवाते हैं, लेसन भी लर्न हो जाता है और सबक भी मिल जाता है। बुरा करो तो थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क, और अच्छा करो तो गिफ्ट्स, टॉय, पजल और आर्ट का किट। तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। मिलेंगे, मिल सकते हैं आपको, लेकिन उसके लिए आपको पहले स्कूल में अटेंडेंस लगानी होगी, क्लास में आना होगा। जो बच्चे स्कूल में नहीं आते ना, उन्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलता। यहाँ तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और साथ में खेलते भी हैं। आप आएंगे ना? टीचर ने मुझे बेंच पे खड़ा कर दिया तो मैं टीचर को बेंच पे खड़ा कर दूंगा। मेरे होते हुए कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को बेंच पे खड़ा नहीं कर सकता। आई प्रॉमिस। स्वराब, आपकी पुष्पा इम्पॉसिबल और राशि दीदी दोनों इसी स्कूल से पढ़ी होंगी और उन्हें यहाँ कभी कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं मिली। ट्रस्ट मी, नानावटी सर जो कह रहे हैं सच कह रहे। मैं आपको सोचकर बताऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, आप सोचिए, खूब सोचिए और सोच के बताइए। ठीक है, आपकी बारी। ओ ये, 3 1 2 3। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मम्मी। देख बेटा, वैसे तो हर साल तुझे हम लोग गिफ्ट में कुछ ना कुछ देते हैं, बराबर? लेकिन इस साल तेरी स्पेशल बर्थडे पे तुझे स्पेशल गिफ्ट मिलने वाली है। अरे ले, आपने अकेले अकेले नक्की कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। अरे तू भी क्या सुशी, अरे हम दोनों की तरफ से गिफ्ट मिलने वाली है उसको। अलग अलग गिफ्ट का बजट नहीं है भाई। पर अगले साल से तो एक और बर्थडे मनाना पड़ेगा ना। पापा अब ज्यादा इंतजार मत करवाइए, बताइए ना क्या है वो स्पेशल गिफ्ट? बता दूं? टैंग टैंग गाड़ी। नहीं 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 नहीं, गाड़ी नहीं है। अरे सुशी। अरे अरे क्यों मम्मी, मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ ना। जो भी हो प्रार्थना, अरे इतना महंगा तोहफा पुष्पा को, उसके परिवार को अच्छा ना भी लगे, और
दोहा प्रमाण में होना चाहिए। लेकिन मम्मी, दीप्ति भाभी भी तो शादी के बाद अपनी कार लेके आई थी ना। प्रार्थना, उसके पास गाड़ी पहले से थी, उसके पापा मनीष भाई ने शादी के बाद तोहफे में नहीं दी थी उसको। अरे सुशी, हम अपनी मर्जी से ही गाड़ी दे रहे हैं, है? अरे क्या तू भी खाली पकड़नी दलील करिया करे। मान जी, ठीक है, मेरी ना है, लेकिन तुम दोनों को जो करना है वो करो बस। अरे लेकिन पहले उसको गाड़ी सीख तो जाने दो। मम्मी की ये बात सही है बेटा, तेरी बर्थडे गिफ्ट फिक्स है, लेकिन पहले ड्राइविंग फिक्स कर। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी क्लास टीचर से बात करनी पड़ेगी। अगर वो तुम्हें एडमिशन दे देती हैं, तो तुम मेरी स्टूडेंट हो जाओगे। आपको परमिशन क्यों लेनी है? ये तो आपकी स्कूल है ना? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम्हारी क्लास टीचर ही तुम्हें पढ़ाएंगी बेटा, और जो पढ़ाता है वो गुरु होता है, तो गुरु से तो पूछना ही चाहिए ना। तो एक बार उनसे पूछ लेते हैं, मैंने उनको बुलाया है ना, एक बार बात कर लेते हैं। हेलो 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 मिस पूर्वी, ये अगले टर्म से आपकी क्लास ज्वाइन करेंगे, स्वरा जगताप पटेल, न्यू एडमिशन। ये तो बहुत अच्छी बात है। स्वरा, हमारी स्कूल में पढ़ोगी ना? मैं होमवर्क नहीं करूंगी तो आप मुझे पनिशमेंट दोगी? हाँ, जो होमवर्क नहीं करता है उसे तो मैं पनिश करती हूँ। स्वरा, क्या हुआ बेटा? आपने तो कहा था कि आपके स्कूल में पनिशमेंट नहीं होती। स्वरा बेटा, मैंने कहा था बेंच पर खड़ी करने वाली पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन पूर्वी टीचर कौन सी पनिशमेंट देंगी ये तो आप पूछ लो। आप कौन सी पनिशमेंट दोगी? आपको वही होमवर्क 3 बार करके आना होगा, और दूसरे दिन वही होमवर्क पूरा याद करके आना होगा, यही है पनिशमेंट। और अगर होमवर्क करके आई तो नो पनिशमेंट। मम्मी, मुझे ये स्कूल पसंद है, मैं नानावटी अंकल के स्कूल में पढ़ूंगी। होमवर्क करूंगी तो 3 बार लिखना भी नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम दीप्ति। पुष्पा जी की फैमिली मेरी फैमिली है। वेलकम टू नानावटी स्कूल स्वरा। मम्मी, मैं थोड़ी देर अंकल के पास रहूं। अंकल, अब तो मैं आपकी स्टूडेंट भी हूँ, आप मेरे साथ खेलोगे ना? दीप्ति, लेट हर बी हियर विद मी फॉर सम टाइम। 1-2 घंटे के बाद इसे ले जाना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। बाय मम्मी। बाय। स्वरा, तुम्हें तुम्हारा क्लास देखना है? हाँ। कम कम। क्या? आ बैठ। क्या हुआ रे? ये देख। अरे देख कितना बड़ा ऑर्डर आया है। नी माने। कितने दिनों बाद आया इतना बड़ा ऑर्डर? चल चल चल, तुरंत काम पे लग जाते हैं। चल तुरंत काम पे लग जाते हैं। सीधा काम पे लग जाते हैं। अरे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है पुष्पा, सेलिब्रेशन तो बनता है कि नहीं? हाँ कही। बोल कौन रहा है ये बात? जो हर बात में काम पे ले करता है, वो सेलिब्रेशन की बात कर रहा है? गुर जी बताइए, कैसे करना है सेलिब्रेट? चिराग प्रार्थना, अश्विन भास्कर, उनकी तरह हम भी तो बेस्ट फ्रेंड है। हाँ तो चलो उनकी तरह हम भी चलते हैं किसी ट्रिप पे। बात तो तेरी सही है, हमें जाना तो चाहिए। चलो फिर। लेकिन हम तो उनसे पहले ही ट्रिप करके आ गए ना पालघर की। अरे ए बंदरिया, मजाक कर रहा था यार, तू तो खामखा सीरियस हो गए। हम थोड़ी जाएंगे ऐसे घूमने फिरने। वही तो, नहीं जा सकते। अश्विन और भास्कर शादीशुदा हैं, लेकिन लड़के हैं, इसलिए साथ में ट्रिप पर जा सकते हैं। हम तो दोनों सिंगल हैं और दोस्त भी उनके जितने गहरे हैं, पर अगर हम साथ में गए तो लोगों को हजम नहीं होगा। हम समाज की परवाह करें ना करें, लेकिन समाज एक ही नजरिए से देखेगा ये बात नक्की। कैसा है ना?
पालघर गया था काम से, तब लिया था फोटो मैंने। दोनों साथ साथ बाहर भी घूमने जाते हैं। अरे पालघर काम से नहीं जाता तो ये पता ही नहीं चलता कि दोनों प्रेमी पंखेड़े पालघर तक उड़ान भरते। इंसान ने इतनी तरक्की कर ली लेकिन आज भी दिमाग वही का वही। आज भी एक स्त्री और एक पुरुष सिर्फ अच्छे दोस्त हो ये हमारा समाज स्वीकार ही नहीं कर पाता। पता नहीं ये सोच कब और कैसे बदलेगी। शायद शिक्षा से, लोग अगर शिक्षित होंगे तो उनका ज्ञान बढ़ेगा तो सोच भी बदलेगी। रे पुष्पा काम बापोदरा चाल के कमरे में बैठकर दुनिया की सोच को बदलने के बारे में बातें कर रहे, छोड़ना। तो तूने बात ही ऐसी छेड़ी तो क्या करूं? बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है रे इतने दिनों बाद, तो रॉ मटेरियल का ऑर्डर भी तुरंत दे देना चाहिए। और खोटे सिक्के इतना बड़ा ऑर्डर है तो हमें ज्यादा लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। तो पड़ेगी। वर्षा मिताली को रख ले क्या ताना माना वर्कशॉप में, धीरे धीरे सीख जाएंगे। वैसे भी वो क्या था, हुआ तूने क्या बोला था, हमारे जैसे बिजनेस को कौन सा सेक्टर बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए तूने कहा था ना। सच कहूं तो देश के विकास के लिए वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो चल फिर हम भी लग जाते हैं देश के विकास में। मींस के उनकी थोड़ी बहुत आवक शुरू होगी तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पर हमारा काम तो हो गई, सबका फायदा। 25% एडिशनल 15 पीस। चल चल चल। अच्छा किया जो लड़की और ड्राइवर को यहाँ ले आए। उनके परिवार से कोई आया है? मुझे पता नहीं सर, मैंने तो गाड़ी पेड़ से टकराई हुई देखी इसीलिए मदद के लिए दौड़ा। कुछ लोग आसपास थे तो उन्हीं की मदद से इन दोनों को यहाँ लेके आया। आपने एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाया, बहुत अच्छा किया, अब जा सकते हैं। लड़की के होश में आते ही उनके परिवार के बारे में उनसे पूछो और पता करने की कोशिश करो कि कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर आगे पीछे की दोनों नंबर प्लेट टूट गई है, एक्सीडेंट वाले जगह पे टीम गई है, जैसे ही कोई टुकड़ा मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जी सर। मैं चिराग पटेल, मेरी वाइफ प्रार्थना पटेल का एक्सीडेंट हुआ है। 1 second सर। सर रूम नंबर 7। अरे कितने फोन कर रहे हो आप, वहाँ रिसोर्ट में रात को डीजे पार्टी होती है, बच्चे गाना नाचना सब कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे ना अपना। अरे कल सुबह कर लेना, डिस्टर्ब मत कीजिए ने। डिस्टर्ब तो तब करूंगा ना जब फोन उठाएंगे। प्रार्थना का तो फोन लग ही नहीं रहा और जमाई राजा फोन उठा नहीं रहे। इधर हम लोग चिंता में आधे हो गए हैं और उसको डीजे पे डांस करना है, केयरलेस कहीं का। हमें पीछे ना साचे रह गया छो। अरे रहने दीजिए, उन लोगों को मस्ती करने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए ना। चलिए आप सो जाइए। तू सो जा। आप कौन? सर मैं चिराग पटेल, इनका हस्बैंड हूँ। हम सिटी रिसोर्ट में रुके हैं, मुंबई से हैं हम। हाँ आपका नंबर इनके फोन से मिला था। सर ये कैसी है आप, ये सब कैसे हुआ सर? कार एक्सीडेंट, अभी तक हमारे पास कोई डिटेल्स तो नहीं है लेकिन आपकी वाइफ के हेड इंजरी है और हाथ भी फ्रैक्चर है। ड्राइवर को माइल्ड हार्ट अटैक आया था जिसके चलते वो भी आईसीयू में, ही इज आउट ऑफ डेंजर लेकिन अभी भी बेहोश है। ये जो बड़ा ऑर्डर मिला उसके लिए हमें ज्यादा वर्कर्स लगेंगे। वर्षा ताई और मिताली को इन्वॉल्व करने का बहुत अच्छा आइडिया, सबका काम हो जाएगा। हमें तुरंत रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा। ऑर्डर मिल गया, सब हो जाएगा। क्यों माँ? हस्त। ए, अश्विन का फोन आया? नहीं, सुबह जो आया था बस वही। लगाओ फोन। लगा लगा लगा। अरे अरे अरे, तुम लोगों से बचने के लिए वो बेचारे वहाँ गए हैं, वहाँ तो चैन से घूम लेने दो। ठीक है, करने दो उन्हें एंजॉय।
वेट आप इन्हें आराम करने दीजिए प्लीज. मैंने आपको बताया है शी इज आउट ऑफ डेंजर. एक बार इन्हें होश आ जाए, पुलिस इनका स्टेटमेंट ले ले, उसके बाद आप इनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. लेकिन फॉर राइट नाउ प्लीज बाहर जाके बैठिए प्लीज. क्या बोलूं कि आपकी बेटी को घुमाने लेकर आया था और पापा. अरे किधर हो तुम दोनों, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? उधर पहुंच के फोन करने की जवाबदारी जैसा कुछ है कि नहीं? प्रार्थना किधर है? उसका फोन ही नहीं लग रहा है. अब सिर्फ सुनता रहेगा, कुछ बोलेगा मुंह से. गिल्टी फील कर रहा है. परसों निकल रहे हो ना तुम लोग? ड्राइवर को बोलना आराम से गाड़ी चलाए, बराबर? तो रात को उसको आराम करने देना, बाहर घुमाने मत ले जाना. प्रार्थना को फोन दे. सेल्फी लेने में बिजी होगी वो, है ना? रुकना भाई तू अभी. हेलो चिराग कुमार, सुनाई दे रहा है? मौन व्रत रखा हुआ है. अरे सुन रहा है कि नहीं कि फोन साइड पर रख दिया? पता वो पन्नू क्या. हेलो अरे सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोल चला. रुकना भाई. हेलो हेलो अरे नेटवर्क नहीं है, रुक रुक बाहर से बात कर रहा हूँ. हाँ सुनाई दे रहा है चिराग? पापा वो पन्नू का, पापा पन्नू का एक्सीडेंट हो गया. क्या हुआ? अभी कभी बाप उधर को जाना पड़ेगा, पार्टी के कुछ लोग भी साथ में आ रहे हैं. सेठ वो लोग आ गए, बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं. चल निकलते हैं. सुशी तू इधर ही रहना, पापोतरा उधर पहुंच के फोन करेगा, बरोबर? नहीं नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी. अरे अरे मेरी बेटी है वो. अरे ऐसी हालत में तू कैसे आएगी? अरे चलने देना उसे, गाड़ी में तो बैठना है, मैं हूं ना साथ में, संभालूंगी. गाड़ी तक पहुंचो, मैं 2 मिनट में आती हूं. चल चल कितनी संभाल लेना. हाँ अश्विन और भास्कर इनसे मिलने वाले थे ना, साथ में डिनर करने वाले थे. अश्विन को फोन करके बोल अगर आसपास है तो चिराग के पास पहुंचे, वो अकेला बहुत घबरा रहा होगा. जुगल मैं आती हूँ. क्या की चिंता मत कर. हाँ हाँ मैं भी भास्कर को फोन लगाती हूँ. सर बाइक मिली है. और नंबर प्लेट ढूंढ रहे हैं सर. बाइक चलाने वाला उसे भी ढूंढ रहे हैं, गांव वाला साथ में है.
तो अंधेरा है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। किन्हीं तो बाइक से धुआं निकला ना, तो आसपास वालों को ध्यान गया। नंबर प्लेट मिले तो मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। बाइक अगर यहाँ मिली है तो बाइक चलाने वाला इम्पैक्ट से उछल के कहाँ पड़ा होगा भगवान ही जाने। चलो अच्छे से ढूंढते हैं, चलो जल्दी इधर उधर ढूंढो। मैं माँ को फोन करती हूँ, शायद माँ ने अश्विन को फोन किया और वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे हो। हाँ प्लीज जल्दी कर। हाँ पांडे जी बोल बेटा। माँ हम लोग कब से अश्विन और भास्कर को फोन ट्राई कर रहे हैं, दोनों तो फोन ही नहीं उठा रहे, मैसेज भी किया उसका भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे कैसे रात के 2:30 बज रहे हैं दीप्ति? अभी तक होटल नहीं पहुंचे, मतलब इतनी रात को कहाँ गए दोनों? मुझे लगा वो दोनों हॉस्पिटल में आपके पास होंगे इसलिए आपको फोन किया। नहीं यहाँ तो नहीं आए और मेरी कोई बात भी नहीं है उनसे, ये तो गड़बड़ वाली बात लग रही थी। इतनी रात को कहाँ गए होंगे दोनों? क्या मुसीबत है, यहाँ भी सब गड़बड़ी चल रहा है। पुलिस का मानना है कि प्रार्थना की कार किसी पेड़ से टकराई, उससे पहले उसकी कार किसी और गाड़ी से टकराई, छानबीन चल रही है। दीप्ति मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बेटा, बहुत घबराहट हो रही। कार किसी गाड़ी से टकराई? हाँ अपने पास से प्रार्थना कर कि किसी और को कुछ, वरना बहुत बुरे फंसेंगे। अब मेरी बात सुन, अश्विन और भास्कर को लगातार फोन ट्राई करते रहो तुम सब लोग मिलकर, और कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत बताना, रखती हूँ मैं। आप प्रार्थना कैसी है? हाँ वो होश आ गया है, डॉक्टर का कहना है डरने की बात नहीं। दीप्ति दीप्ति जैसे ही बात हुआ अश्विन भास्कर से तुरंत बताना मुझे बेटा प्लीज। ठीक है माँ। इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है अश्विन और भास्कर, एक फोन तो करना चाहिए। छोटा जी शायद ऐसा भी हो सकता है कि अश्विन और भास्कर दोनों उस होटल में ना हो, किसी और होटल में शिफ्ट हुए हो। हाँ एक काम करते हैं, लोड़ावला और तलेगांव के सारे होटल्स में इंक्वायरी कर लेते हैं, कुछ पता चल जाएगा। पहली 5 में तुम पूछना, बाकी में तुम बाकी वहां देखता हूं। ठीक है। आप सब प्लीज बाहर जाइए और इन्हें आराम करने दीजिए। जी पापा आप मेरे पास रहिए ना प्लीज। प्लीज डॉक्टर साहब ठीक, लेकिन सिर्फ आप लोग मेरे साथ चलिए। चलिए क्या हुआ बेटा? पापा मैंने डर की वजह से पुलिस को नहीं बताया, गाड़ी पेड़ से टकराने से पहले टकराई थी, कोई उछला था गाड़ी के सामने से, आयो मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो, किसी की जान ना गई हो, किसी की जान ना गई हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। शातुश शातुश अभी तक ऐसा कुछ भी पता नहीं चला, हो सकता है ये तेरा भ्रम हो बेटा, तुझे शॉक लगा है, अभी आराम कर सब ठीक हो जाए।
पुलिस के सामने वही बताना जो तुझे पता है और कुछ मत बताना, खामखा केस बन जाएगा। ठीक है, हम जल्दी मुंबई चले जाएंगे वापस और सब भूल जाए बेटा, सब ठीक हो जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.